फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की एक नई ट्रिक के बारे में बताऊंगा, जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर पाएंगे और आपको क्रेडिट कार्ड पे कैशबैक भी मिलेगा। और ये ट्रांसफर भी बिल्कुल फ्री में होगा, एक रुपए का भी चार्ज नहीं लगेगा। और जो आपकी क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैशबैक मिलता है वो आपकी एक्स्ट्रा कमाई होगी। तो आप इसे किस तरह से अनलिमिटेड लूट सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी और ये ट्रिक अभी बड़ी स्मूथली काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करके आपको बताते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर कर पाएंगे और अनलिमिटेड कैशबैक भी कमा पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही अपील करूंगा, चैनल पे अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोस अपलोड करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं आपको हर तरह के लूट ऑफर्स के बारे में अपडेट देते रहता हूँ। आप यहाँ से अच्छा बेनिफिट हर महीने निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास अब तक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड की लिंक दी है, वहां से जाके आज ही अपना मनपसंद क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लीजिए। अभी दोस्तों SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड और साथ ही AU बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये तीन बैंक के क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं और इंस्टेंट अप्रूव हो रहे हैं। हो सकता है आपको किसी तरह का कोई इनकम डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं देना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड लिमिट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट फॉर फ्री की नई ट्रिक, साथ ही किस तरह से आप अनलिमिटेड कैशबैक भी कमा पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ओला कैब्स एप्लीकेशन की। प्ले स्टोर से जाके ओला कैब्स एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, किसी भी मोबाइल नंबर से साइन अप कर लीजिए। ओला ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में थ्री लाइंस दिखेंगी, उन थ्री लाइंस पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ओला मनी का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ओला मनी पे क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए फिलहाल मेरा वॉलेट बैलेंस जीरो है। अब आपको यहाँ पे ऐड मनी करना है, ऐड मनी पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको बता दूं, एक ओला मनी अकाउंट में पर मंथ 10,000 रुपीज तक ऐड कर सकते हैं। तो ये 10,000 रुपीज आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए 100 रुपीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मैंने 100 ऐड किया। आप 1,000-2,000 भी ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है। ऐड मनी पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला है UPI एप्स, दूसरा है अदर पेमेंट मोड्स। आपको अदर पेमेंट्स मोड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखिए, मेरे तो कई सारे क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है। अगर आपका कोई कार्ड लिंक नहीं है तो नीचे आपको न्यू डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिर अपना कार्ड ऐड कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपने वन क्रेडिट कार्ड को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने पेमेंट कर दिया अपने वन कार्ड से। यहाँ पे मर्चेंट में शो कर रहा है ओला मनी जिप कैश। वैसे तो दोस्तों ये एड मनी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये जो मर्चेंट दिखा रहा है ओला मनी जिप कैश, ये मर्चेंट जब शो करता है तो ये ट्रांजेक्शन ट्रांसफर या एड मनी टू वॉलेट शो करता है, पर अभी बग चल रहा है। देखिए मैंने ये पेमेंट कर दिया 100 रुपीज सक्सेसफुली, मेरे ओला मनी वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब मैं आपको अपने वन कार्ड में जाके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ओला मनी जिप कैश, ये ट्रांजेक्शन बिल्स एंड यूटिलिटीज की कैटेगरी में शो कर रहा है। 100 रुपीज मैंने ट्रांसफर किए, मुझे उसके ऊपर 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिले हैं, जनरली नहीं मिलते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर कैटेगरी में शो करता है, पर अभी ये बिल्स एंड यूटिलिटीज कैटेगरी में शो कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसपे आपको 1-1.5% कैशबैक मिलता है बिल्स एंड यूटिलिटीज पे या फिर अदर स्पेंड्स पे, तो आप उस कार्ड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको कैशबैक मिलेगा। और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड है तो उस केस में तो आपको 4-5% तक का कैशबैक मिल सकता है। मेरे पास एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड नहीं है इसलिए मैं ये आपको शो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इस ट्रिक से एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से काफी अच्छा फायदा उठा सकते हैं। या फिर और कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उस पर भी आपको अदर स्पेंड पे जो कैशबैक मिलता है वो भी आराम से मिलेगा। तो 10,000 रुपए इस तरह से अगर आप ओला मनी वॉलेट में ऐड कर लेते हैं तो आपको काफी अच्छा कैशबैक मिल सकता है, पर एक बार में ऐड मत कीजिएगा। अब आप बोलेंगे ये जो 100 रुपीज मैंने ऐड किए इसे निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए दोस्तों
आपको एक पेटीएम फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। पेटीएम फास्टैग केवल कार वालों को नहीं बाइक वालों को भी मिल सकता है। अगर आपके पास कोई बाइक है, टू व्हीलर है, तो उसकी आरसी देके भी आप पेटीएम फास्टैग बना सकते हैं। पेटीएम फास्टैग आपके बहुत काम आएगा। पेटीएम फास्टैग पे काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आते हैं। अभी दो दिन पहले एक ऑफर आया था टाटा नियो की तरफ से, जहाँ पे पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करके 100 रुपीज़ का फ्लैट 30 नियो कॉइंस मिल रहे थे। मैंने 9 अकाउंट से इस ऑफर का फ़ायदा उठाया। केवल 100 रुपये का पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करता गया हर डिफरेंट अकाउंट से, और 30 नियो कॉइंस मिलते गए। तो आप एक पेटीएम फास्टैग जरूर बना लीजिए। टू व्हीलर की आरसी से भी आराम से पेटीएम फास्टैग बन जाता है। मेरा खुद का एक टू व्हीलर की आरसी से बना हुआ है और एक फोर व्हीलर की आरसी से बना हुआ है। तो अब यहाँ पे ओला मनी में आपको फीचर्ड सर्विसेज में बिल पेमेंट की एक सर्विस दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फास्टैग दिखाई देगा, फास्टैग पे क्लिक कीजिए। ऑपरेटर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को सेलेक्ट कीजिए। अपना पेटीएम फास्टैग नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। गेट बिल डिटेल्स पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मेरे फास्टैग की सारी डिटेल्स आ गई। यहाँ पे मिनिमम आपको 100 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ता है पेटीएम फास्टैग। आप जब भी पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करते हैं, वो पैसे आपके पेटीएम वॉलेट में जाते हैं, ना कि पेटीएम फास्टैग में रिचार्ज होते हैं। अगर आपने ज़्यादा पैसे ओला कैब्स में ऐड किए हैं, तो आप आई वॉन्ट टू पे कस्टम अमाउंट पे क्लिक करके जितना अमाउंट आपने ऐड किया वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने 100 ऐड किया तो मैं 100 का रिचार्ज कर रहा हूँ। पे बिल पे क्लिक किया और यहाँ देखिए मेरा पेटीएम फास्टैग सक्सेसफुली रिचार्ज हो चुका है, और ये 100 रुपीज़ सक्सेसफुली मेरे पेटीएम वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। अब पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, ये तो सभी को पता होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप एक पेटीएम फास्टैग रिचार्ज करके ओला मनी के थ्रू 10,000 रुपये की क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, और उस कार्ड पे जो भी आपको कैशबैक मिलता है वो भी कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास मल्टीपल टू व्हीलर्स है, अगर फोर व्हीलर्स भी है तो बहुत बढ़िया बात, आप मल्टीपल पेटीएम फास्टैग बना लीजिए। तो हर फास्टैग पे आपको 10,000 रुपये मंथली लिमिट मिलती है, तो आप अच्छा खासा अमाउंट इस तरह से बिल्कुल फ्री में बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे।